हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। तो आज हमने बैंक निफ्टी में लगभग 400 पॉइंट की रैली देखी, 1% ऊपर बंद हुआ है 36,500 के अराउंड। तो यहां हमने अच्छा खासा नीचे के लेवल से रिकवरी देखी। आप देख सकते हो कि वीकली चार्ट पे हम जो है तो लगभग अभी 50 पॉइंट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, फ्लैट पॉजिटिव, और नीचे के लेवल से अच्छे खासे रिकवर हो चुके हैं। जो हमारे टारगेट थे उनके तरफ बढ़ रहे हैं, जो 37,900 के तरफ जो टारगेट था उसके तरफ हम धीरे धीरे इंच कर रहे हैं। तो यहाँ जो है तो हमारा जो प्ले था बाय ऑन डिप्स, वो अच्छे खासा प्रॉफिट देकर गया है हमें। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि आज जो है तो हमने लो देखा था लगभग 35,500 के अराउंड, हाई था लगभग 36,600 के अराउंड। तो 1100 पॉइंट की रैली, और जो हमारा टारगेट था 36,600 का, वो अच्छे हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट टारगेट बाकी है और मुझे लगता है कि वो आने वाले एक दो दिनों में हमें देखने को मिलेंगे, 37,100, 37,550, ये दो टारगेट जो है तो ये टारगेट हमें आने वाले एक दो दिनों में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ फिर अभी भी हमारा जो है तो बाय ऑन डिप्स व्यू रहेगा। अगर नीचे के लेवल मिलते हैं तो यहाँ हम बाइंग ही करने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी में। अभी देखते हैं आवरली चार्ट पे लेवल्स। तो आवरली चार्ट पे आप देख सकते हो कि 36,000 के अराउंड अगर बैंक निफ्टी मिलता है इंट्राडे करेक्शन में, तो उसके अराउंड आपको लॉन्ग जाना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 35,800 के नीचे, और टारगेट 37,100, 37,550। तो करंट लेवल से आप देखोगे तो लगभग 700 और लगभग 1000 पॉइंट के टारगेट बनते हैं। तो अगर आप दो लॉट पर ट्रेड करते हो तो यहाँ एक्युमुलेशन कीजिए, एक लॉट जो है 37,100 के अराउंड बुक कीजिए, नेक्स्ट जो लॉट रहेगा वो 37,550 के अराउंड बुक करना है। तो यहाँ आपको ड्रिप्स पे एक्युमुलेशन करना है। और आज जो है तो आज अच्छे खासे जो शॉट है वो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं, और इनको जो है तो मार्केट पेन देता रहेगा कल इनका जो, और इनको जो है तो इनके लॉसेस बढ़ाते रहेगा। तो इसके वजह से एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर हो सकती है, जो लेकर जाएगी 37,100 टू 37,550 के लेवल की तरफ। तो यहाँ बाय ऑन डिप्स व्यू रहेगा। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो आप 36,000 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर फोकस कीजिए, उसको डिप्स पे एक्युमुलेट करना है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा सेम 35,800, अगर उसके नीचे फ्यूचर जाता है तो उस ऑप्शन में जो भी लॉस हो रहा होगा वो आपको लेकर निकल जाना पड़ेगा। ऊपर जो है तो 37,100 और 37,550 के लेवल आते हैं तो उस ऑप्शन में आपको 2x प्लस गेन देखने को मिल जाएंगे। तो हम फोकस करेंगे 36,000 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर फोकस करेंगे, और यहाँ बाय ऑन डिप्स व्यू रहेगा। और आज जो है तो जिन्होंने डिप्स पे बाय किया होगा उन्हें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली जो है तो ऑलरेडी उन्हें एंजॉय करने को मिल गई। हमने देखा एक ही घंटे के जो कैंडल थी उसमें लो था लगभग 35,500 के अराउंड, और हाई था लगभग 36,300 के अराउंड। तो लगभग 800 पॉइंट के एक ही कैंडल थी आवरली पे। यहाँ जो है तो बहुत सारे जो शॉर्ट है वो ट्रैप है इस कैंडल में, इनको जो है तो इनके पूरे स्टॉप लॉस उड़ाकर ही या फिर मार्जिन कॉल ट्रिगर करके ही मार्केट जो है तो रिवर्सल देगा। तो यहाँ जो मेजर प्लेयर है उनके साथ रहना बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा, तो हम लॉन्ग साइड ही चूज करेंगे और यहाँ बाय ऑन डिप्स व्यू रखेंगे कल के लिए भी। तो आई होप सो कि आपने आज का जो प्रॉफिट है वो एंजॉय किया होगा, जिन्होंने लॉन्ग किया होगा उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो प्लीज़ ज्वाइन माय सर्विस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।